नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन कर दिया है। यह मेला 19 फरवरी तक चलेगा। इस अवसर पर हस्तशिल्पियों व कलाकारों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी के मामले में भारत विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन गया है। इसमें कला और शिल्पियों का अहम योगदान है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है और इस विरासत को देश दुनिया के स्तर पर ले जाने में प्रदेश सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पर्यटन व अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है। सूरजकुंड मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री का अहम प्रयास रहा है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह गौरव की बात है कि इस मेले का शुभारंभ उपराष्ट्रपति के कर कमलों से हो रहा है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हमारे देश की विविधता में एकता की कड़ियों को मजबूत करने के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को भी आगे बढ़ाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मेले में हर वर्ष एक सहभागी राष्ट्र और एक थीम स्टेट होता है और इस मेले में इस वर्ष शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सहभागी राष्ट्र है। इस वर्ष मेले में 25 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्य इस मेले के थीम स्टेट हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। ये राज्य एक साथ मिलकर एक ही मंच पर अपनी कला, हस्तशिल्प और व्यंजनों का प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश के कलाकारों व शिल्पकारों की कल्पनाओं से सराबोर कलाकृतियों से सुसज्जित इस हस्तशिल्प मेले की छटा देखते ही बनती है। इस तरह के मेले शिल्पकारों को अपनी पसंद व कला के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करते हैं। यह मेला विविधता में एकता के लिए और एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन कराता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के माध्यम से हरियाणा की माटी की सौंधी महक विदेशों तक पहुंची है। पिछले 35 वर्षों में सूरजकुंड मेला शिल्पकारों और हथकरघा कारीगरों को अपना हुनर प्रदर्शित करने का बेहतरीन मंच रहा है। यह मेला विभिन्न अंचलों की लोक कलाओं, लोक व्यंजनों, लोक संगीत, लोक नृत्यों और वेशभूषा से रूबरू करवाता है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला एक अन्य ऐसे मेले देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता से भी योगदान देते हैं। हम सभी को देश के शिल्पकारों द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर गर्व करना चाहिए और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा करके हम अपने क्षेत्र के शिल्पकारों और लघु उद्यमियों की मदद कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन की नई अवधारणाओं पर भी काम किया है। हम फॉर्म टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदेश में होम स्टे स्कीम भी शुरू की गई है। अब लोग खासकर छोटे किसान एक दो कमरे बनाकर पर्यटकों को रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि देश और विदेशों से आए कलाकार और पर्यटक यहां से एक सुखद अनुभूति लेकर जाएंगे और यह अनुभूति उन्हें बार बार हरियाणा आने के लिए प्रेरित करेगी। बहुत ही आनंद का विषय है कि ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय मेला जिसकी छाप न केवल अपने देश में है बल्कि दुनिया के देशों में भी इसकी एक प्रकार से अमिट छाप है। हर वर्ष ये मेला होता है, जैसा बताया गया कि 1987 से मेला शुरू हुआ था, बीच में एक वर्ष छोड़ करके लगातार हर वर्ष ये मेला 1 फरवरी से 15 फरवरी तक पहले होता था। लेकिन कुछ वर्ष पहले हमने विचार किया कि इसमें जो वीकेंड्स हैं वो प्राय 2 बार ही आते हैं, लेकिन शनिवार रविवार वीकेंड्स के ऊपर उपस्थिति बहुत अच्छी होती है। तो इन तिथियों का चयन इस ढंग से किया जाने लगा कि इसमें 3 वीकेंड्स आते हैं, तो इसलिए आज ये 3 तारीख को शुरू हुआ है। 19 फरवरी तक ये मेला अपना ये चलेगा। इस मेले में हर वर्ष की भांति एक सहभागी राष्ट्र होता है और एक थीम स्टेट इस नाते से भी परंपरा है। लेकिन इस बार सौभाग्य की बात है कि सहभागी राष्ट्र के नाते से इस बार शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 20 देशों का की भागीदारी है और ऐसे ही थीम स्टेट के नाते उत्तर पूर्व के जो सभी प्रदेश जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा ये सब शामिल हैं, एक साथ मिलकर के एक ही मंच पर जैसा हमने ये कार्यक्रम देखा, अभूतपूर्व सामंजस्य
सारे देश की कला को, संस्कृति को एक मंच पर लाके दिखाना। जहाँ तक विदेशी कलाकार, विदेशों के सहभागिता इसमें होती है, तो हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का एक जो विचार है वो सबको यहाँ प्रदर्शित होता है। अब जैसे यहाँ सब कलाएं हमने देखी हैं, उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं, उन प्रोडक्ट को जब हम 15 दिन देखेंगे तो उसके कुछ ना कुछ मूल्य, उसकी कॉस्ट ये लिखी जाती है। और उस मूल्य को देख करके हर कोई अपना एक वस्तु खरीद तो लेता है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो उस वस्तु की मूल्य तो हो सकती है, लेकिन वो जो कला का गुण है वो अमूल्य होता है और वो सब में नहीं आता है। वो किसी को प्राकृतिक तौर पर आता है, जन्म से आता है, कोई सीख जाता है, माँ की गोद में सीखता है, जिस जगह पर रहता है उसके वातावरण में सीखता है। ऐतिहासिक कुछ चीजें ऐसी होती हैं, पता भी नहीं लगता कब कौन सीख गया। एक अच्छा गायक, उसका स्वर अच्छा होता है, कब वो गाना सीख गया, तो उसके पीछे भी कई लोगों की भूमिका होती है। तो इस प्रकार से ये जो कला सृजन है, इसको मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूं। और मेरा इतना ही कहना है कि अपनी इस कला को हमेशा संजोए रखें, इसका सृजन करें और आगे इसको बांटें। कला बांटने से समाप्त नहीं होगी बल्कि बढ़ती है। ये जो सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, इस मेले में जो भाव भावना है, इसकी जो महक है, ये पूरे देश और दुनिया तक जाती है कि हरियाणा जो है हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की बहुत एक गहरी एक प्रकार की निशानियां हैं। भगवान कृष्ण ने जो गीता का संदेश यहां दिया कुरुक्षेत्र में, ये भी एक ऐसा अलौकिक उदाहरण है कि युद्ध का मैदान है और इस युद्ध के मैदान में क्या सिखाया जा रहा है, जीवन जीने का सार सिखाया जा रहा है कि अच्छा जीवन कैसे बनेगा। युद्ध की तैयारी है और जीवन का सार सिखाया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि इस युद्ध के लाभ क्या क्या होंगे। तो जहां शांति आवश्यक है वहां शक्ति भी आवश्यक है, आवश्यकता पड़े तो शांति प्राप्त करने के लिए युद्ध भी आवश्यक है, ये गीता का सार है। तो ऐसा एक अलौकिक संदेश देने वाला स्थान भी वो हमारे हरियाणा में ही है, बल्कि हम हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गीता जयंती का कार्यक्रम भी करते हैं और उसमें भी दर्जनों देश आने लग गए हैं। गीता का प्रचार प्रसार भी इसी प्रकार से हम देश और दुनिया में आगे बढ़ा रहे हैं। भाई बहनों, इस मेले में देश की जो आर्थिक आत्मनिर्भरता है उसको भी हम कई बार देखते हैं कि हमारे जो कारीगर हैं यहाँ जो चीज़ें अपने बनाकर लाते हैं उसका प्रचार प्रसार भी होता है, बहुत लोग खरीद कर ले जाते हैं और बहुत से कारीगर ऐसे नए कारीगर भी यहाँ से देख करके उनको प्रेरणा मिलती है ताकि उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, अपने उत्पाद बनाकर उनको बेचने के लिए स्थान भी मिलता है। तो एक आर्थिक आत्मनिर्भरता भी हमारी बनती है। मैं तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जैसा एक बात पर्यटन की भी आई उसको भी इसके साथ जोड़ता हूं कि बहुत से पर्यटक चाहे मेले के बहाने से ही आते होंगे लेकिन हरियाणा में जितने पर्यटन के स्थल हैं उन पर भी उनको जाने का मौका मिलता है। तो उस नाते से हम पर्यटन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अभी यहाँ पास में ही गुरुग्राम, वहां पर दमदमा झील है, पास में गुरुग्राम में भी कई ऐसे स्थान हैं, फरीदाबाद में भी स्थान है, ये हमारा सूरजकुंड का जो स्थान है ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो ऐसे पर्यटन के भी अवसर धीरे धीरे हरियाणा इसमें आगे बढ़ रहा है और हमने इसके लिए एक विशेष पॉलिसी बनाई है, होम स्टे पॉलिसी। होम स्टे पॉलिसी में भी जो लोग विदेश से आते हैं उन सबको उसका एक प्रकार से लाभ मिलता है। कहने का भाव यह है कि पर्यटन देश प्रदेश के सैलानियों के लिए एक हरियाणा भी एक ऐसा स्थान है। मुझे विश्वास है देश और विदेशों से आए हुए कलाकार और पर्यटन यहाँ से एक सुखद अनुभूति लेकर जाएंगे और ये अनुभूति ने बार बार हरियाणा आने के लिए प्रेरित करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।